अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बेटा, आपका क्या नेम है? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। जी हसनैन, इंशाल्लाह आज आपको सबक सुनाएंगे। ये मेरा एक शागिर्द है। बच्चों को ऐसे कायदा पढ़ाना चाहिए, ऐसे उन बच्चों को मशक कराना चाहिए। तो बेटा, जिस पेज के ऊपर आपने पेन रखा है, इन हरूफ का क्या नाम है? इन हरूफ का नाम है हरूफ मुकत्तियात। जी आउज बिल्ला बिस्मिल्ला पढ़ के इसको स्टार्ट करिए। आउज बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी शुरू करिए ऊंची आवाज से। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम स्वाद, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा। जी आराम आराम के साथ पढ़िए। आवाज को ऊंचा रखिए। सीन या सीन स्वाद, हा मीम आइन सीन कौफ कौफ नून। गुड। कितनी नमाजें हैं मेरी तरफ देखिए। पांच। ऊंची आवाज से। पांच नमाजें हैं। कौन कौन सी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। गुड। आप मुझे फजर की नमाज की रकातें बताइए। फजर में चार रकात होती हैं, दो सुन्नत दो फर्ज। गुड। जोहर में कितनी रकात होती हैं? जोहर में 12 रकात होती हैं, चार सुन्नत चार फर्ज, दो सुन्नत दो नफल। असर में कितनी रकात होती हैं? असर में 8 रकात होती हैं, चार सुन्नत चार फर्ज। गुड। मगरिब में कितनी रकात होती हैं? मगरिब में 7 रकात होती हैं, 3 फर्ज, दो सुन्नत दो नफल। गुड। ईशा में कितनी रकात होती हैं? ईशा में 17 रकात होती हैं, चार सुन्नत चार फर्ज, दो सुन्नत दो नफल, 3 विदर दो नफल। गुड। हमारे आखिरी नबी, उनका क्या नाम है? उनका नाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुड। अल्लाह कितने हैं? अल्लाह एक है। यस, बहुत अच्छा। माशाल्लाह इस बच्चे की तरबियत बहुत अच्छी हुई है। ये लाहौर ग्रामर स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और माशाल्लाह इनकी इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। अल्लाह पाक इस बच्चे को कुरान का हाफिज़ बनाए। आपने इस बच्चे के लिए दुआ करनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ इनका टीचर कारी गुफ्तार अहमद।